ये है हमारा टूटा हुआ एक्वस R3। अब इसको करते हैं पराय, क्योंकि हमने अब ले लिया एक्वस R2। चौकस किस्म की सेंसिटिविटी और हैवी कंट्रोल्स और सेटिंग बेसिक्स वगैरह सब कुछ तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि भाई मैंने वीडियो को डिवाइड किया आगे पीछे। तुम वीडियो पूरी देखते नहीं हो, दो मिनट भी तुम नहीं निकाल सकते यार 24 घंटे में से, फिर ये बंदा क्या बोले। अच्छा तुम सबसे पहले तुम मेरे कंट्रोल चेक करो, पीक एंड स्कोप शिफ्टिंग मारने के लिए ये तो हमेशा बंदा ऑन ही रखता है। इसके अलावा कुछ और बेसिक कंट्रोल है आईपैड व्यू के लिए, ये थर्ड पर्सन वगैरह ये सब कुछ ऑन करो। स्प्रिंट तो पता है यार, ये तो हमारी देसी चीज़ है, इसको तो हमने रखना ही फुल है। उसके अलावा तुम नीचे जैरो, यार जैरो तो जान है अपनी, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, जैरो भी ऑन करो। इसके अलावा ये जो बकवास चीज़ें हैं दो, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, टाइम ज़ाया वाली बात है। इसके अलावा स्मूथ एक्सट्रीम पता है तुम्हें, हैवी किस्म का भाई अपना, हैवी किस्म का R2 है, तुम्हें क्या पता। इसके अलावा ब्राइटनेस तो फुल रखते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स को बिल्कुल ऑफ कर देते हैं, जीरो पे रखते हैं। इसके अलावा कंट्रोल तो अभी तुम्हें नहीं दिखाऊंगा बेटा, सब्र कर रहे हो तुम। इसके अलावा यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अपना गेम प्ले सस्ते वाला दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यार बोर नहीं करना चाहता अपनी पब्लिक को। तो इसके अलावा तुम्हें आगे मैं जाके सेंसिटिविटी बताता हूँ, हैवी किस्म की सेंसिटिविटी है। और बहुत ही मेन बात, बहुत ही हैवी किस्म की बात जो कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, R2 को लोग यानी बुरा भला कह रहे हैं भाई। R2 तुम सोच भी नहीं सकते R2 क्या चीज़ है। स्नैपड्रैगन 845 का नहीं पता, स्नैपड्रैगन भाई, स्नैपड्रैगन नाम तो सुना ही होगा, ब्रांड है ब्रांड। अच्छा अब स्नैपड्रैगन का सीन कुछ ऐसा है कि भाई साहब स्नैपड्रैगन की रेजोल्यूशन पीछे मोबाइल की रेजोल्यूशन हाई है, जिसकी वजह से बैटरी गर्म होती है, बैटरी गर्म होती है तो मोबाइल लैग मारता है। अब सीन ये है तो इसको ख़त्म करने के लिए रेजोल्यूशन कम करनी पड़ेगी, और रेजोल्यूशन कैसे कम करें 3 वीडियो इस पर बना चुका हूँ ऑलरेडी, आसानी से जाके तुम देखो। वीडियो पूरी नहीं देखते फिर बाद में रो रहे होते हो कि भाई नहीं नहीं ये है वो है। तो सीन कुछ ऐसा है, रेजोल्यूशन को इसको कम करोगे मैं बगैर उसके फ़ैन जो होता है, एक होता है टेबल फ़ैन होता है, एक होता है मोबाइल के पीछे वाला फ़ैन, वो दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, बाद में आ जाएंगी। और सादा जो ऊपर पंखा लगा होता है वो चला रहा हूँ, एसी भी बंद है, सब कुछ बंद है। तो फिर भी तुम लोग गेम प्ले चेक कर सकते हो, हैवी किस्म का गेम कनेक्ट होता है। ये पावर है R2 की 576p रेजोल्यूशन की, बाकी सारी वीडियोस का क्रेडिट जाता है इसका हैज़ गेमिंग को, क्योंकि उनकी वीडियोस देख के ही मैं सीखा हूँ। उसके अलावा मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं खुद सारा क्रेडिट दूँ, मेरा मकसद ये है तुम लोगों को समझाना, फिर बाद में तुम लोग कहते हो नहीं भाई नहीं हो रहा ये, आप ये करते हो वो करते हो, जरा बात को समझा करो, आ जाते हो फिर बातें करने। तो कुछ सीन कुछ ऐसा है कि भाई R2 हैवी किस्म की डिवाइस है, ले सकते हो, लेकिन R2 कुछ लोगों का लैग करता है रेजोल्यूशन के बाद, वो तुम्हारे मोबाइल में फॉल्ट हो सकता है। मैंने R2 लिया लेकिन उसके अंदर फॉल्ट था, लैग कर रहा था, वो टच इशू, मल्टी फिंगर, वो मल्टी टच वाला इशू आ रहा था। तो मैंने फ़ौरन वापस किया और दूसरा R2 लेके आया। जब भी फ़ोन लेते हो हमेशा चेक करके लिया करो कि उसके अंदर मल्टी टच पोर्ट है कि नहीं।